दो। सलाम आदाब दोस्तों, वेलकम टू द चैनल, आई होप यू ऑल आर गुड। हम लोग कैफी आजमी रोड पे चल रहे हैं, आप लोगों ने देखा शबाना आजमी रोड से होते हुए कैफी आजमी रोड पे हम लोग आ गए हैं। देखा दोस्तों आप लोगों ने, इस वक्त हम लोग कैफी आजमी जी के घर पे पहुंच गए हैं जो कि मेजवा गांव में है, और इस गांव में इनका पुराना घर यहां पे था जो मैंने आपको दिखा। मैं इस वक्त कैफी आजमी जी को देख सकता हूँ स्टैचू की शक्ल में। वैसे तो मैंने लाइव इनको नहीं देखा, लेकिन आज स्टैचू में देखकर लग रहा है बड़ा अच्छा। और आप मेरे पीछे जो स्टैचू देख रहे हैं, ये इनके फादर का। आप जैसे ही इनके घर में मेन गेट से एंट्री करेंगे तो राइट साइड में ये दोनों स्टैचू आप लोग को मिलेगा। जो भी आए उनके स्टैचू को देख के उनको याद करे, ये एक यादगार चीज है जो इनका स्टैचू यहाँ पे लगा। दोस्तों ये है सीताराम जी, ये 1981 से कैफी आजमी जी की खिदमत में थे। तो चलिए हम कुछ सवाल करते हैं इनसे। चाचा आपका गांव कौन सा है? यही मेजवा गांव। तो आपने कैफी आजमी जी को जमाने में भी देखा होगा? 72-73 से हम उनको देखे हैं। उनके एक बहन के लड़के रहते थे कंपाउंडर, का नाम था अख्तर हुसैन। अच्छा, अख्तर हुसैन साहब। हाँ जी। तो उनके यहाँ वो आए थे और गाँव में सड़क तो थी नहीं जी, रिक्शा नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तो हम लोग चार लोग गए तो उनको चौपाला से लाए। हाँ, उसके बाद फिर 81 में ही उनको लाए। अच्छा, फूलपुर से आज उनके दामाद लगते थे जी, तो उनके यहाँ रुके थे जी। तो फिर हम उस समय थे, फिर लाए उनको जी। उसके तीसरे दिन वो हमको बुलवाए। हाँ, और जबरदस्ती नौकरी पे रख। वाह वाह, कि दो मर्तबा ये पालकी में उनको फूलपुर से गांव में लेकर आए और उन्होंने इनको परमानेंट जॉब पे रख दिया। और इट्स बीन 40 इयर्स, ये 40 साल से यहाँ पे है। कैफी आजमी जी की खिदमत में थे, इस वक्त शबाना आजमी जी की खिदमत में है। यही इनका डेडिकेशन जो मुझको बहुत ज्यादा अच्छा लगा। बहुत से लोग उनके लिए जॉब करते होंगे, लेकिन इनका जो डेडिकेशन है सुपर है। तो इन्होंने अभी अभी मुझको बताया कि कैफी आजमी जी मॉर्निंग में, जबकि उनको चलने में प्रॉब्लम थी, लेकिन वो हर मॉर्निंग में वो जाते थे छड़ी लेके। यहाँ पे एक नजदीक में ट्यूबवेल है, वहां पे जाते थे थोड़ा बैठ के आराम करके, ठंडी हवा लेके फिर घर पे आते थे। ये वीडियो मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि एक ऐसी हस्ती के बारे में आप लोग को बता रहा हूँ जिनको मैंने ना देखा। उनका ये नाम आजमगढ़ से जो जुड़ा है, उसकी वजह से मुझको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और ये यादें ताजा हो रही है। चलिए मैं आप लोगों को बहुत खास तरीके से उनके घर का टूर देता हूँ।
फोटो जो मेरे हाथ में आप लोग देख रहे हैं इसमें देख लीजिए कैफी आजमी जी, ये इंतकाल से 2-3 महीना पहले का फोटो है जो कि अहाते में लिया गया है। और आप लोग देख सकते हैं इसमें जो चेयर है ये वही चेयर है जिसपे कैफी आजमी जी सोते थे। आई एम रियली थ्रिल्ड टू सी ऑल दिस थिंग, ये सब चीज़ें देख के मुझको बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि जो मेरा माइंड है इसी तरीके का, पुरानी चीज़ें देखना, पुरानी चीज़ों को याद करना और अपने रूट्स को ना भूलना। शबाना आजमी जी की सबसे अच्छी बात यह लगती है मुझको कि उन्होंने अपना रूट नहीं छोड़ा, यानी वो जहाँ से बिलोंग करती थी उसको नहीं छोड़ा, जिस गाँव से बिलोंग करती थी वहाँ पर आना जाना उनका रहता है। और सबसे अच्छी बात है कि इलाके के लोगों को नहीं छोड़ा ना भूला, वो जो भी कर सकती थी, जितना उनका पावर था, जो कर सकती थी, जितना उनका सोर्स था, उन्होंने इलाके के लोगों के लिए किया है। शबाना आजमी जी कुछ अच्छा काम कर रही हैं गाँव वालों के लिए, तो मैं वहीं पे जा रहा हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पे एक वेलफेयर सोसाइटी वो लोग चलाती हैं और उस सोसाइटी में बच्चियों के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। मैं वहाँ पहुँचकर वो बिल्डिंग दिखाता हूँ जो घर के जस्ट पास में है और मैं बताता हूँ कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। इसमें बच्चों को सिखाया जाता है कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, ब्यूटिशियन के कोर्स होते हैं। वहाँ पे एक वर्ड लिखा था वेल्डर, मुझको समझ में नहीं आया, वेल्डर का कोर्स होता है। आगे मैं डिटेल में बताता हूँ सीताराम जी से पूछकर। सीताराम जी ने अभी मुझको बताया कि इसमें जब बच्चियाँ सीखने के लिए आती हैं 15-20 दिन का कोर्स है सिलाई का और कढ़ाई का, उसमें बच्चों से मिनिमल चार्ज होता है 50 या 150 रुपीज़ कुछ है, इनको कंफर्म नहीं पता, वो चार्ज बच्चियां पे करती है। और जब वो सीख जाती हैं तो सबसे बेहतरीन काम तब होता है, बच्चियों को कपड़ा यहीं से प्रोवाइड किया जाता है और वो अपनी कारीगरी उस कपड़े पे दिखाती हैं सिलाई या कढ़ाई करके, और वो कपड़ा फिर यहीं पे वो जमा कर देती है और वो कपड़ा कहीं पे बेचा जाता है, वो मुंबई दिल्ली इस तरीके के शहरों में ऑक्शन लगाकर बेचा जाता है और जो पैसा आता है वो बच्चियों को दिया जाता है। That's very good deed. Really, I appreciate it from bottom of my heart. और ये जो सारा काम हो रहा है मेजोवा वेलफेयर सोसाइटी के तहत हो रहा है, एक छोटे से गांव को इतना मशहूर कर देना, ये शबाना आजमी और कैफी आजमी जी की ही बस की बात है। और दोस्तों ये है दूसरा इंस्टीट्यूट जहाँ पे बच्चियों के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, ये बच्चियों का इंटर कॉलेज और कंप्यूटर सेंटर है और यहाँ पर भी बहुत कम फीस है जो बच्चियों से ली जाती है, आप ऑलमोस्ट इसको फ्री समझ सकते हैं। इसके फाउंडर कैफी आजमी जी थे और शबाना आजमी जी इसको संभाल रही हैं। ये कैफी आजमी और शबाना आजमी जी की बदौलत है कि मेजवा में इस तरीके की संस्था और स्कूल है और यहाँ पे इंटर कॉलेज है, बहुत बड़ी बात है। मेजवा एक बहुत छोटा गाँव है। हमारे गांव में भी प्राइमरी स्कूल है लेकिन ना तो इंग्लिश मीडियम है और ना ही इतना बड़ा है, जबकि आमक गांव बहुत बड़ा है। आमक से माँ प्रधानी लड़ी जाती है लेकिन आमक में भी इस तरीके का इतना बड़ा प्राइमरी स्कूल नहीं है सरकारी। जैसा कि मैंने आपसे अभी बोला कि मेजवा बहुत छोटा गाँव है, लोग इसको कायदे से नहीं जानते, तो चाचा ने उस पर एक बात बोली, आप इन्हीं के मुँह से सुनिए। भाई साहब नमस्कार, मेजवा के निवासी हम हैं। 5 घर का पहले था, इतने में 70-75 घर हो गया साहब, बोर्ड बना के गए हो, गाँव का चमन कर दिया एकदम। सही बात, अगर बाग में एक बेहतरीन फूल खिलता है तो उसी की वजह से वो चमन मशहूर होता है। तो कैफी आजमी जी वो शख्सियत थे कि अपने गांव का नाम रोशन किया, अपने जिले का नाम रोशन किया, अपने स्टेट का और इस इंडिया का नाम रोशन किया। तो वी सलूट यू कैफी आजमी जी, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। एक बात यह बोलनी थी कि जब तक इंसान जिए इतनी अच्छाई का काम करे और इतने अच्छे से जिए कि मरने के बाद लोग उसको याद करें, जैसा कि कैफी आजमी जी ने किया और जो काम शबाना आजमी जी कर रही हैं अपने इलाके के लिए,
बहुत ही अप्रिशिएटेबल है, बहुत ही ज्यादा तारीफ के लायक है। ये है मिस्टर नबील शेख, इन्होंने आज आपको और मुझको घुमाया पूरा मेजवा। तो इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हम लोगों को दिया, बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों आज का व्लॉग मैं इसी पॉजिटिव नोट पे इन करता हूँ कि आप लोग हमेशा कुछ अच्छा काम करिए, दूसरों की मदद करिए, हमेशा ये सोचिए कि अगर हम दूसरों का भला करेंगे तो हमारा भी भला होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक ज़रूर करिएगा ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो एज ऑलवेज कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप लाइकिंग, कीप कमेंटिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू, लव यू पीपल।